एज रिलैक्सेशन, बहाल करो, बहाल करो। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन, बहाल करो, बहाल करो, बंद करो। छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, बंद करो, बंद करो। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन, बहाल करो, बहाल करो, बंद करो। एज रिलैक्सेशन को लेकर आप लगातार जो है इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपने रवैये पर ज्यों की त्यों अड़ी हुई है। देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे आज बाहर हैं। आप सोचिए, ये छोटी सी बच्ची किस लिए आई है, इसने फर्स्ट में टॉप किया है, ये फर्स्ट पोजीशन, छोटे छोटे बच्चे किस लिए आए हैं? ये इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको फर्स्ट क्लास में अंडर एज के कारण एडमिशन नहीं दी जा रही। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं, पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चे एनरोल में हैं। जब अदर स्टेट्स में 2026 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तो जम्मू कश्मीर में इतनी जल्दी क्या है? जब आपने लास्ट ईयर वन टाइम रिलैक्सेशन दी थी, इस साल आपको 2 साल की रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, ताकि नर्सरी, LKG, UKG जो बच्चे हैं वो क्रॉस कर जाएं फर्स्ट, और किसी को प्रॉब्लम ना आए। जो न्यू एडमिशन जो हो रही है नर्सरी क्लास की, वो 3+ हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली 6+ ही फर्स्ट में पहुंचेंगे। अब जो एनरोल में नर्सरी, LKG, UKG बच्चे थे लास्ट ईयर या इस साल, ताकि उनको इस साल भी प्रॉब्लम ना आए और नेक्स्ट ईयर भी प्रॉब्लम आए, और 3 साल की रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाए। 1 साल की आपने दी हुई है, 2 साल की और आपको देनी पड़ेगी। तो ये हमारी डिमांड है LG साहब से कि 7 अप्रैल से पहले पहले ये बच्चे जो है फर्स्ट क्लास की एडमिशन इनकी हो जानी चाहिए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे जम्मू कश्मीर में, और हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और फिर सरकार जानती है कि हम ऑर्डर लेके ही बाहर निकलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर इस पर इसका इनिशिएटिव लेंगे, सरकार तक हमारा मैसेज पहुँचाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए, और बच्चों और माँ बाप को सड़कों पर आने से रोका जाए। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से ये ऑर्डर निकला है, क्या लगता है कि कितना वाइज है गवर्नमेंट जो है, उन गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है, ये बच्चों के लिए कितना हितकारी है? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि हर बार आम पब्लिक को हरास किया जाता है। अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्कूलों को हिदायत दी जाए कि फ्रॉम नर्सरी क्लास ये इम्प्लीमेंट किए जाए, ताकि किसी भी बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये ऑर्डर अगर निकाला गया है, लेकिन स्कूल वालों को कभी भी रोका टोका नहीं गया कि आप किसी एज बच्चे को एडमिशन दे रहे हो, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। आगे जाके जब गवर्नमेंट सख्ती करती है, तो प्रॉब्लम पेरेंट्स भी आती है। आज की डेट में जब से कोरोना काल हुआ है, कोरोना काल में भी क्या किया गया कि स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस लगी या नहीं लगी, लेकिन पेरेंट्स को फुल फी देनी पड़ी। चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं, रेडी लगाता है, ऑटो चलाता है, कुछ भी करता है, कहीं से भी लाके उन्होंने फीस भरनी पड़ी, तो उनके बच्चे आगे पढ़े। लेकिन हमारा प्रशासन तब भी आंखें मूंदे बंद बैठा रहा, उसने तब भी आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज आगे और नए नए रूल्स निकाले जा रहे हैं, अब भी जो है कि बर्डन सारा पेरेंट्स पे पड़ रहा है, बच्चों पे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेंटली हरासमेंट हो रही है इन बच्चों की। ये बच्चे रो रहे हैं कि हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो घर में कैसे बैठ सकते हैं? मुझे बताइए, घर में बच्चे क्या करेंगे? जो सिलेबस वो पढ़ चुके हैं, उसको क्या दोबारा पढ़ेंगे? स्कूल वालों को दोबारा फीस देंगे, वो कहाँ से लाएंगे फीस? वो जहाँ तो वो बच्चों को घर में बिठाएंगे, जहाँ सेम क्लास में बिठाएंगे। अगर निकाल देते हैं तो उनको फिर एडमिशन लेनी पड़ेगी, एडमिशन में फीस भरनी पड़ेगी। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के ऑर्डर्स ना इंप्लीमेंट किए जाएं। आपको देखना है तो उन चोर बाजारों को देखो, जो स्कूल के नाम पे अपने धंधे चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनको रोको ना, कि छोटे छोटे बच्चों को उनको पढ़ने दिया जाए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। मैम, हमारे बच्चे अंडर एज हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चों को आगे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल हमारे बच्चों का वेस्ट जाएगा। वो चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो छोटे बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही है आज मम्मा बुक्स ला के दो, यूनिफॉर्म ला के दो, तो उस चीज़, उस बच्ची को मैं क्या जवाब दूँगी इस चीज़ को लेकर? लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी भी पेरेंट्स का नुकसान ना हो, क्योंकि हम, आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमें पता है। लेकिन अगर 1 साल के लिए भी अगर ड्रॉप हो जाते हैं, 1 महीना भी ड्रॉप होता है, तो बच्चे भूल जाते हैं सब कुछ। उनको खेलने को मिल जाए, कूदने को मिल जाए, तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं ले रही है हमारे बच्चों के लिए, तो हमारे लिए बड़ी दुखद बात है ये। हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए सोचा जाए,
कल को यही बच्चा जम्मू का हो सकता है कि आगे जाके कुछ बने। अगर आप एक साल उसका ड्रॉप करवाओगे, पता नहीं उस बच्चे को एक साल में क्या फीलिंग आएगी। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट सबसे कि प्लीज़ हमारे बच्चों को रिलैक्सेशन दी जाए और आगे हमारे पढ़ने का मौका दिया जाए बच्चों को, क्योंकि किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी कह रही है कि मुझे DPS में भेज दो, यहाँ भेज दो, मेरी फ्रेंड्स वहाँ गई हैं, तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन को लेकर सरकार द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है उसको लेकर लगातार पेरेंट एसोसिएशन द्वारा ये प्रदर्शन चल रहे हैं। इनकी डिमांड यही है कि जो बच्चों की जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं, कम से कम उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि अगर वो अंडर एज है और जो अंडर एज है और अंडर एज की वजह से उन्हें एक साल फिर से जो है घरों में बैठना पड़ेगा या तो उसी क्लास को फिर से पढ़ना पड़ेगा। सरकार से उनकी यही अपील है कि स्कूल की तरफ एक्शन लिया जाए, ना कि बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य इस तरह से ना गुमराह करें। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।